देखिए लोकतंत्र का उत्सव है, सभी गुरुग्राम वासियों को, सभी हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हो गया, आज सुबह से ही लोगों के अंदर बड़ा क्रेज है। हमने तो एक कंपेन भी चलाया, 10 बजे तक भी जो लगातार जो है सभी अपनी उंगली के ऊपर निशाए लगी हुई उंगली दिखाते हुए, आपने वोट क्यों किया, गुरुग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं। एक हैशटैग कंपेन भी चलाया है, खासकर युवाओं के अंदर बहुत क्रेज है। मैं देख रहा हूँ लाइनों के अंदर सीनियर सिटीजन लोग भी खड़े हैं, माताओं बहनों के अंदर पूरा क्रेज है। आज गुड़गांव के अंदर अच्छा मतदान भी होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हम गुरुग्राम को विकसित करने का, गुड़गांव को सपनों का शहर बनाने का, गुड़गांव को सही मायने में एक सिटी वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद और पूरी आशा विश्वास है कि गुरुग्राम का इलेक्ट्रोल निमन बनाया है और गुरुग्राम का इलेक्ट्रोल कांच का गिलास का बटन दबा रहा है। 12 नंबर का निशान है और 12 ज्योतिर्लिंग है और शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए मैंने भी बटन दबाया है। गुरुग्राम की देवतुल्य जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो वोट जरूर डालें और ये देख के डालें कि कौन आपके बीच में रहा है, कौन आदमी सरल है, कौन आदमी मधुरभाषी है, कौन आदमी आपकी जी अप्रोच में है और कौन आदमी विजन के साथ जिसने होमवर्क कर रखा है, कौन आदमी ज़्यादा काम गुड़गांव में कर सकता है। आज मैंने धर्मपति के साथ मिलकर के अभी वोट डाला है। निशान दिखा दीजिए नवीन भाई, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आज आखिरकार आपका एक तरह से एग्जाम है, आज का एग्जाम डे है, अभी तक किससे लड़ाई है आपकी, कौन है आपके फाइट में? देखिए हर दिन प्रतिदिन रोज एग्जाम ही होता है, ये आज फाइनल एग्जाम है। हमने पहले सारे एग्जाम लगभग क्लियर किए हैं। जब हमारी टिकट कटी तो लोगों के अंदर इतना मैंने रोज देखा और उसका मैंने एक दर्द देखा है और हमने जब कंपेन किया तो लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझे आशीर्वाद और स्नेह दिया है। उस स्नेह और आशीर्वाद को गुड़गांव की जनता से कहना चाहता हूँ कि टाइम से मतदान करके बटन दबा करके इस चुनावी रथ को जीत की तरफ आगे बढ़ाएं। रही बात मुकाबले की, देखिए कांग्रेस का कैंडिडेट तो मैं अभी बूथों पर भी देख के आया हूँ, टेंटों में भी देख के आया हूँ, कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, नॉमिनेशन में भी स्टैंड नहीं किया। बीजेपी पहले क्योंकि यहाँ पे जीतती रही, लेकिन बीजेपी ने 10 साल काम नहीं किए, कूड़ा सड़क सीवर बिजली पानी सफाई को लेकर के गुड़गांव के लोगों ने किल्लतों को सहन किया है। जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा वो कैंडिडेट बादशाहपुर से चुनाव 2 बार लड़ा और बादशाहपुर लड़ने के बाद भी बादशाहपुर के लोगों ने उसको, उन्होंने बादशाहपुर क्षेत्र को भी छेड़ दिया। अभी 1 साल से वो यहाँ पर आए और उसके बाद कहना चाहता हूँ कि वो 25 साल की दुहाई देते हैं, 25 साल में एक दिन भी उन्होंने गुड़गांव के जिले के लिए एक भी कागज लेकर किसी अधिकारी के पास नहीं गए। तो मुझे इस बात का निश्चय विश्वास है, गुड़गांव की देवतुल्य जनता आशीर्वाद दे करके 8 तारीख को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और कांच का गिलास इतिहास रचेगा। आज आप सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं, किस तरह से? आज हम सबसे पहले गुरु गोविंद दोनों खड़े में काके लागू पाए बलियारी गुरु आपने जिन गोविंद जी बताए। आज हमने हरिमंदिर आश्रम जाकर अधिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी से धनदेव महाराज जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद माँ शीतला का आशीर्वाद लिया। आज गोपीनाथ मंदिर अर्जुन नगर भी जाना हुआ, 4 मरला कृष्ण मंदिर भी जाना हुआ, न्यू कॉलोनी श्याम मंदिर भी जाना हुआ, सेक्टर 10 से श्री कृष्ण मंदिर भी जाना हुआ, चिंतपूर्णी मंदिर, गीता सार मंदिर, सभी देवी देवता मना के आए हैं और अब जो है ना ओम नमः शिवाय का नाम लेकर के बटन दबा दिया है और आज शनिवार का दिन है, शनि महाराज पे तेल भी चढ़ाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।